विचार भी करनी। खिमा करे भावे मेरा विशा है
पर कथा करदिया कई बारी बंदा अपने कोलों कुछ ना कुछ शब्द रंगत विच दे जांदा है, पर कीर्तन ओ परमेश्वर दी दात है। जदो अंदर टिक जाए ते कीर्तन करदा करदा परमेश्वर दे दर ते मनुख प्रवान हो जांदा है। यही कारण गुरु अर्जुन दे सच्चे पातशाह महाराज जी ने इको बचन कह के सारिया गल्लां मुका दित्तियां। कह लगे खर कीर्त साध संगत है, सिर करमन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का। लै तन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन। जो आपने विचार आरंभ की सी पिछले दिनों तो साहब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की ओ पौड़ी जिसकी संपूर्णता आप परसों दे शाम दे दीवान विच की सी। तेग बहादुर सिमरे घर नौनिद आवै ताए सब थाई खोए सहाए। इथों तक इस पौड़ी का पाठ सी। इहदे विच तेग बहादुर जी नाल गुरु शब्द लाना जा बाकी गुरु साहबाना न लाने प्यारियो, ये केवल गुरु की बाणी है जो सतगुरु ने लिखे है उही आपां पढ़ना ते उचारना। इस ते अगे जो पंथक मर्यादा है किसे ते तर्क नहीं। आरंभ विच क्या सी आधार बनाया अरदास दी शब्दावली नू कि जो श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा विच दर्ज है। इथों तक पूरी पौड़ी संपूर्ण हुई ते अगे उथे पवित्र बचन लिखे ने जदों पढ़ने सब थाई होए सहाए। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाए। उते शब्द के दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाए। इहदा अर्थ है कि पंथ ने अपने कोलो कुछ कहिंदे ने इहदा मुढ सत्कारयोग शहीद भाई मनी सिंह होरां ने बने। आरंभ विच अर्ज कर चुका पर इहदे अर्थ करदे ने कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिहड़े गुरु नानक साहिब जी दी जोत दे दसवें रहमतां भरन वाले देण वाले दाता जी बने ने। जोत दसवीं नहीं, इह कल नूं अगे आउणा कि दसां पातशाहियां दी जोत जोतां नहीं। शरीर दसवां जरूर है, चोला दसवां जरूर है, पर जोत ओही है जो गुरु नानक साहिब जी दे अंदर सी। आओ करो कृपालता साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां दी टेक लईए उस दाते दे अमृत जीवन विचों और उहनां दी पवित्र बाणी विचों आप नाल विचार सांझे पाणे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह सब थाई सहाई होण वाले दाता जी कृपा करो आप ही इस अंदर नूं टिकाओ दी दात बख्श के धन गुरु गोबिंद सिंह जी रहमत करके अपने चरण कमलों की प्रीत बख्श के विच वरत के अमृत बचना की विचार करा लवो। साध संगत करो कृपा गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दिन आपां अरदास दी विचार आरंभ कीती सी ते आरंभ विच आपां पढ़िया सी कि प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए कि गुरु नानक साहिब जी दे तां त्याउण तो गल आरंभ होई ते दसां पातशाहियां दी संपूर्णता होण लगी है सब थाई होए सहाए। उस दिन एक अर्ज कीती सी जो गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र जीवन विचों ते अज उहदी संपूर्णता होनी है। धन गुरु नानक साहिब जी दे बारे सत्ते बलवंड ने एक बचन कहा। उन्हां ने यह नहीं शब्द वरते केवल कि गुरु नानक साहिब ने फकीरी दी नींह रखी। ध्यान देना उन्हां यह नहीं कहा कि धन गुरु नानक साहिब जी ने पुरानी भगती परंपरा जा सिद्धां वाली परंपरा जा नाथां वाली परंपरा जा मुलाणिया वाली जा हिंदुआ वाली। उथे उन्होंने एको शब्द कह कहिंदे ने कि नानक राज चलाया। शब्द उथे राज वरते है कि धन गुरु नानक साहिब जी ने एक राज चला दिता है ते कहिंदे ने सच कोट सताणी नीमदै
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਏ, ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਏ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਤੱਕੀਏ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਖਮਰੋ ਆਮਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਦੇ ਕੋ ਸਾਜਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਇਆ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਦੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਕੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ? ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਖਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਏ, ਧਰਮ ਖੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਠਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ, ਯਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ।
खैर अपने विषय वल मुड़ना है। पहली गल ये पंथ की हो जाए जिस निर्मल पंथ नू बाबा जी ने चलाया न्यारियां कीता उहदे दा उसे दा प्रचार गुरु गोबिंद सिंह करदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों इक शब्द पढ़ी कि हजूर दे उस निर्मल पंथ दी गल करदे आ तां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साहिब दा इक बचन आउंदा है उस निर्मल पंथ ते असी किवें तुरीए किवें गुरु गोबिंद सिंह साडे सहाई होण ते जे उस धर्म दी उस पंथ दी परिभाषा ते उहदे ते चलण दी गल पुछनी होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द पूरा पढ़ो जिहदे विच साहिब कहिंदे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जीव। इहदे विच हजूर ने पंथ ते चलण दी गल कही जिस निर्मल पंथ नूं साहिब ने तोरिया कहिंदे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जीव आखां बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदेशणा मेरा मन अनंत ना काहूं जाए जियो। एदे विच जिज्ञासु बन के सवाल कीता है कि गुरु के सिखड़े आम तौर ते सी कई शब्द एदे वर्त जाने सेखड़ा नहीं हे गुरु के सिखा मैं तेरे तो पुछण आया कि गुरु नानक साहब दे निर्मल पंथ ते तू चलण वाला है जिन्हें शब्द की बरकत नाल न्यारा कीता सी मैं अपना मन तेरे चरणा विच भेज करा मेरे अंदर नू टिका बख्श के ओ पंथ दा रस्ता उस पंथ ते चलण दी जाच दस दे जिस पंथ दा प्रचार गुरु गोबिंद सिंह पै कर दे। उते पुछे कहन लगे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदेशणा मेरा मन अनंत अनंत दरते होर पासे मेरा मन अनंत न काहू जाए जियो ए मन तै को देवसा मैं मार्ग दियो बताए जियो। फिर जिज्ञासु बन के कहिंदे ने कहन लगे भरावा खो आया दूरों चल कै मैं तक्की तो शरणाए जियो मैं आशा रखी चित मैं मेरा सब दुख गवाए जियो। हुण इस पंथ ते चलण ते अपनी मन मत नहीं जे निर्मल पंथ ते चलना चाहना है ते पहली गल सज्जे ते खब्बे दी झाक छड़ दे। भाई गुरदास नूं पुछया गया सी कि तुसी कहिंदे हो गुरु नानक साहिब ने गुरमुख गाड़ी राह चलाया जां निर्मल पंथ चलाया ते इस रस्ते ते चलण वाले नूं कदी दसो तां सही किन्नियां कु रहमतां ने। भाई साहिब ने सिर्फ दो गल्लां ते पूरे पंथ दी व्याख्या कर दित्ती। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कि पानी दा भर के दरिया वगदा ते कदी दरिया दे किनारे खलो के छोटा जिहा पत्थर दा टुकड़ा पानी वी सटीए ते दरिया दा पानी उस पत्थर नूं डोब दिंदा है किते लोहे दा किल कोई लोहे दा छोटा जिहा कण कोई सटे ते पानी उस लोहे नूं वी डोब दिंदा है। भाई साहिब कहिंदे ने मैनूं एक गल दी हैरानगी ओ गुरमुख मार्ग दी जिहनूं निर्मल पंथ कहा है उहदी व्याख्या करदे कहिंदे ने मैनूं एक गल दी समझ नहीं पई ते भाई गुरदास जी ओ रंग रतड़े शायर ने जिहड़े रुखां विचों जंगल दे कणके किणके विचों पानी दियां धारां विचों पत्थरां विचों हर एक सिख्या लै के गुरमत दा उपदेश पै दृढ़ कराउंदे। भाई गुरदास कहिंदे मैं दरिया हैरान आ इस गल्लों कि तेरे कोल पत्थर आउंदा उहनूं डोब देना तेरे कोल कोई लोहे दा टुकड़ा आवे उहनूं डोब देना पर दरिया मैनूं एक गल दस कितनी भारी लकड़ वड के तेरे विच पहाड़ा तो सट देवें। पुरातन समय लकड़ा इस तरह मैदानी इलाके विच लियाउणियां पहाड़ विचों लकड़ दी पोरी वटनी ते भारी जिहड़ी ओह लकड़ पानी विच सटनी ते दरिया दे पानी ने लकड़ नूं अपने उत्ते तार के ते मैदानी इलाके तक लै होना। कहिंदे ने खेत दरिया पत्थर नूं डोबना लोहे नूं डोबना बंदा तेरे अंदर आए उहनूं वी डोबण दा यतन करना पर मैनूं एक गल दी समझ नहीं पैंदी जे भारियां चीजां जाण के डोबना है ते फिर लकड़ एनी भारी है ये तेरे उत्ते तरती क्यों है तू इस भारी लकड़ नूं क्यों नहीं डोबदा पिया। कहिंदा उस पानी ने उत्तर बड़े कमाल दा दित्ता कहिण लगे गल कल्ले भार दी नहीं ते एक गल कि जदों भी उदाहरण लई जांदी है उदाहरण का हमेशा एक पासा लिया जांदा उदाहरण दो वल्ली नहीं वरत्या जांदा इहदे विच आनु किसे उदाहरण फिट नहीं बैंदी। जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे एक दिन अर्थ कीती सी
कि भगत नामदेव जी ने एक पासे कहा कहिंदे ने तू रब नू जे नेड़े वेखना है ना ते दो गल्लां अपनी जिंदगी विचों बिल्कुल छड्ड दे। महाराज ओ केड़ियां? उन्होंने सीधी गल कही, कह लगे पर धन, पर दारा, पर हरी। दो शब्द ने, कहिंदे ने एक पराया धन ते दूसरी पर दारा पराई इस्त्री। ते भगत नामदेव कहिंदे ने पर धन, पर दारा, पर हरी दर ते त्याग देंगा तां कह निकट बसे नर हरी, रब तेरे नेड़े वसेगा। जदों पुछया भी एक पासे ये शब्द वरते है, इत्थे उदाहरण दित्ती। दूजे पासे एक बचन कह कह लगे जैसे बिखै हेत पर नारी, जिवें विषयी बंदा वेशवा दे दर ते जांदा ते आपां कहांगे उत्थे तां कहिंदे पैसो कि पर धन, पर दारा, पर हरी। ते इत्थे उदाहरण की देंदे हो? एक कहिंदे ने सिर्फ एक पासा नहीं कि जिवें विषयी बंदा इन्नियां लानतां पैण ते विकार नहीं छड्दा, तू परमेश्वर दे नाम नूं ना छड्डी। उदाहरण जिहड़ी उहदा हमेशा एक पासा लिया जांदा है। भाई साहब कहिंदे ने पाणी नूं पुछिया जे भारी चीज जाण के डोबना है ते फिर लोहे नालों पत्थर नालों किन्नी वजन विच भारी है लकड़, इहनूं क्यों नहीं डोबदा? कहिंदे ने अगों दरिया दे पाणी ने उत्तर दिता सी, पत्थर भी डुब जांदा है, लोहा भी डुब जांदा है, पर मैं लकड़ नूं इस करके नहीं डुबना, मैं इहनूं अपना आप सिंज सिंज के बूंद बूंद नाल पालिया है, ते जिहड़ा मेरा अपना पालिया होए ते जदों मेरे कोल आउंदा मैं उहनूं कदी डुबण नहीं दिंदा। गुरमुख मारग की? भाई साहब बड़े स्याणे ने, उह दूजा सवाल करदे ने, कहिंदे ने पाणी तूं इह तां कहिंदा है मैं अपने पाले नूं नहीं डुबदा, पर तैनूं पता है कि इसे लकड़ नूं चीर के किश्ती इहनूं बेड़ा बनाया जाणा है, ते जदों किश्ती जां बेड़ा तेरे उत्ते चलदा है ते पाणी नूं इस तरह किश्ती दी नोक चीर दिए कि जिवें आरे नूं लकड़ नूं आरा चीरदा होवे, तूं मैनूं इक गल दस कि इही लकड़ इकली आउंदी है तूं तारना है, लोहा इकला आउंदा डोबना है, पर जदों किश्ती जां बेड़ी बना के इसे लकड़ विच लोहा ते पत्थर रखे जांदे ने फिर उहनां नूं क्यों तारना है, उहनां नूं क्यों नहीं डोबदा? अगों कहिंदे ने पाणी ने उत्तर दिता, कहन लगे इकला लकड़ दे तो बिना लोहा जां पत्थर आवे उह तां डोब सकना, पर जिहड़ा मेरे पाले को लकड़ दी संगत करदा है सच जानी मैं अपने दी संगत करन वाले नूं कदी डुबण नहीं दिंदा। भाई साहब ने तीजा सवाल किया, कहन लगे तैनू पता है जान कि इस लकड़ विच अग है ते तेरा ते अग दा आपसी विरोध बड़ा है, तू इस लकड़ विच पई कोई अग नूं अपने विरोधी नूं तारना पे? ते अगो पाणी कहिंदा हां मैनू पता है कि लकड़ विच अग भरी पई है, पर सच जानी जिनू अपना एक वारी बनाणा ते जिहड़े मेरे करके पलिया होवे मैं उहदी अग उत्ते उहदे औकण उत्ते भी पर्दा पा के उहनूं तार देना। भाई साहब ने चार गल्लां पुछ के पंजवीं पुछी, कहन लगे फिर मैनूं एक गल दस, आम लकड़ दे बूटे नूं तूं सिंज के पालने, इह तेरा पालिया इहनूं तूं तारना, ते की चंदन दी लकड़ नूं चंदन दे रुख नूं पाणी तूं सिंजदा नहीं? चंदन दा बूटा भी तेरे ही पलिया है ते उस बूटे नूं क्यों तूं डोबना, उस लकड़ नूं क्यों डोबना? ते शायद आप नूं पता होवे कि चंदन खरीदण वाले जदों चंदन खरीददे ने लकड़ दे टुकड़े नूं पाणी विच रख के तकणगे, जे तां चंदन दी लकड़ डुब जाए तां कीमती है, जे तर जाए तां कहणगे असल विच चंदन है। कहिंदे ने बाकी लकड़ नूं तूं तारना, चंदन नूं क्यों डोबना, कि उह तेरा पालिया नहीं? ते पाणी कहिंदा दरअसल हकीकत इह वे लोकां नूं दिसदा भी शायद मैं इहनूं जाण के डोबना वा, वाहिगुरु लोकां नूं दिसदा विचकरा करना, पर इत्थे भी मैं अपने पल्ले पाले होए दी लाज रखना वा, क्योंकि जे इह तर गया ते लोक मेरे पाले होए रुख ते उंगलां चुकणगे, जदों डुब जांदा ते बाजार विच इहदी कीमत पै जांदी। डोबना मैं इस करके नहीं कि इहनूं खत्म कर लई। भाई साहब ने सिर्फ दो गल्लां लईआं ते फिर कह लगे ओ दरिया तेरे वल तक के, हे गुरु के सिखा तू एक वारी इस गुरमुख मार्ग ते चल तां सही, चेते रख
जे पानी अपने पाले नू डुबन नहीं देंदा ते जदों तू सतगुरु दे दर ते इस मार्ग ते चल पियो ते दाते ने तेनू भी इस भवजल विचों डुबन नहीं देखना। कहिंदे मेरी जिंदगी दा तजर्बा ही कि लकड़ विच पई हुई अग नू वेख के जिहड़ा पानी ये पड़दे पा के तार देंदा है ते जदों साहिब दे दर ते गया कहिंदे मेरे दाते ने मेरे अंदर औगणा दे समुंदर नू तकिया है पर जदों पर्दा पा के क्या कोई नहीं जे अज मेरा बन गया फिर कहिंदे निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। कह लगे देख पानी तू उस लक्कड़ दे नाल लगे हुए लोहे नू भी तार देना जेड़ा लक्कड़ दी संगत करदा है ते मेरे गुरु देव बाणी विच कहिंदे ने सिख तां जप के तरेगा ही तरेगा ते जेड़ा मेरे पाले दी संगत करेगा यकीन जानी ओनू भी भवजल तो पार कर देवा। फिर अगे कहिंदे ने तू चंदन नू डोबना है पर कहिंदे जदों कोई शहीद हुंदा है जदों किसे सिदक वाले ते मुसीबत आउंदी है लोग समझदे होणगे कि अपने पाले नू डोबदा है कहिंदे ने मेरा दाता कहिंदा डुबदा नहीं असल विच दुख ते भाणा मन के भी रब की दरगाह विच दी कीमत पै जाणी। भाई साहब ने उते शब्द वरते ने कहिंदे ने पानी काठ ना डोबई पालै दी लज्जै सिर कर वत चढ़ाए कह सिर चढ़िया भज्जै लोहै जड़ियै बोइथां भार परै ना तज्जै। फिर कह लगे कि पेटै अंदर अग रख तिस पर्दा कज्जै कह लगे अगर जो डोबै जान कह निर्मूलक तज्जै ते जिस पंथ दे प्रचार ले गुरु गोबिंद सिंह आए ने भाई गुरदास कहिंदे सजना गुरमुख मार्ग चलना छड सज्जै खब्बै इधर उधर झाकना छड़ के उस निर्मल पंथ ते तुर पो। मैं अर्ज कर रहा सा पुछया सी भरावा कि किवें इस मार्ग ते तुरां फिर कहिंदे ने खों आया दूरों चल कै मैं तक्की तो शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो ते निर्मल पंथ ते चलन वालिया मन मत नहीं नल नहीं के अमृत छकना क्यों जरूरी है ए नहीं के पांच बाणियां पढ़नियां क्यों जरूरी ने इत्थे बस एक गल मार्ग ते चलन तो पहला समझ लई इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो ते आगे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो ते इस निर्मल पंथ दा मकसद केवल दुनिया दे धंधियां तक नहीं क्यों पावे हर दर सावड़ा मैं लगे तती भव जियो तेनू मालक दे दर तक ले जाने। प्यारियो जिस नू भाई साहब ने निर्मल पंथ कहा है गुरमुख गाड़ी राह कहा है जिस नू गुरु ग्रंथ साहब जी दी अमृत बाणी ने गुरमत मार्ग कहा है उसे पंथ दे उसे मार्ग दे उसे मिशन दे उसे गुरु नानक साहब जी दे पवित्र घर दा प्रचार कर ली सब थाई सहाई होण वाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा आगमन पटना साहब जी दी धरती ते हो है। जदों आपां बचन पढ़ने हैं साहब ने एक बचन कह कहिंदे ने मुरपित पूर्व कियत प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ये जात तरबैणी पै पुन दान दिन करत बतै कहिंदे तई प्रकाश हमारा पयो ते रहमत किते होई पटना शहर विखै भव लै। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे संखेप जै जीवन नू अर्ज करके चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मैं वाले पासे आउणे पटना साहिब दी धरती ते माता गुजरी है माता नानकी जी ने ते गुरु तेग बहादुर जी उस वेले पटना साहिब दी धरती ते नहीं सच्ची सरकार ढाके दी धरती ते नहीं ते ओ ढाका जिन्नू कदी हुक्म विच साहिब ने कहा सी ढाका सिक्खी दा कोठा है एडी उच्ची पदवी दित्ती ढाके दी धरती ते गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी जी दी कुक विचों साहिब जी दी आमद होई। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह पिछा पटना साहिब दी धरती वल नहीं आए अपने मिशन लई अगे तुरे ने इधर जदों पढ़ने तवारीख नूं किथे पटना साहिब दी धरती ते किथे ओ सज्जन कुड़ाम दी धरती ते बैठा
चढ़दे नूं सजदे पिया करदा सी। सिर्फ एक अर्ज करना हुन्ना, इहनूं इह ना गल्लां कह के छड्ड दईए कि इह तां पुराणियां गल्लां, जां कई वारी लोग गुरु साहिब दे जीवन उत्ते वी कलम चुक के लिखण तों अपनी चलाकी नाल गुरेज नहीं करदे। सुरती बिरती वाले नूं अंदर नूं पता है, कहिंदे ने उस धरती ते चढ़दे नूं सजदा कीता। बस इक्को ही गल पुछी गई सी मुरीदा वालों कि अज टीकरा लैंदे नूं खुदा दे घर नूं सजदे करने, ते अज चढ़दे नूं क्यों? ते उस भीखण शाह ने कहा सी, अगे उहदे घर नूं सजदे करदा सां खुदा दे घर नूं, ते अज घर वाला पूर्ब नूं आ गया, दसो मैं हुण घर नूं सजदे करां जां घर दे मालक नूं सजदे करां। साहिब धन गुरु कलगी वाले दे दीदार इह सज्जन ने पाए ने, पटना साहिब दी धरती ने मेरे कलगी तर प्रीतम दियां बड़ियां यादां सांभ के रखियां ने। ते जदों किते उत्थे जाइए अर्ज कीती सी अपने अंदर नूं टिकाई, कभी सुरत गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच जोड़ी, ते देख ओ समा तेरियां अखां सामने आ जाएगा जिस समय कलगी तर ने उत्थे चोज कीते। साहिब सच्चे पातशाह इसे पटना साहिब दी धरती ते बैठे पंडित शिव दत्त वर्गे बजुर्ग नूं अखां तो पकड़ के रख के उहदे नेत्रां ते हथ शब्द यही कहे सन, पंडित जी झाट कई सालां तो ध्यान विच बैंदा सी पर कलगी धर दे दीदारे ने उहदे अंदर ते भरम दे छोड़ कट दिते, ते दर्शन करके जिन्हों यह लोचदा सी उहनूं बाला प्रीतम ही सब कुछ दिसण लगा। कदी तक्यो इसे धरती दे उत्ते जे कोई परमेश्वर रूप विच ध्यान टिकांदा है तां उत्थे सहाई हुंदे ने, ते जे कोई कहिंदा है कि कलगी वाले लई कि मैं पुत्तर दी दात मंगणी है, एक दा इष्ट बन जांदा है ते दूसरे दी गोद विच पटने दी धरती ते पुत्तर बन के बैंदा है, ते जिहड़ी संतान नूं सहक दीए उहनूं मां कह के पुकार दे पए। कदी तक्यो इसे धरती ते कदी आप जरनैल बन के अगे तुरदे ने, इत्थे रहीम बख्श ते करीम बख्श वर्गे रहमता लैंदे ने, कदी भाई जैते शेठ वर्गे रहमता लैंदे ने, ते जदों कलगी धर स्वामी इस धरती नूं भाग लाए ने ते पिता ते पुत्र पहली वार जदों पटना साहिब मिले ने, ते जिस बाग विच मिले कई सालां दा सुक्का होया बाग भी खरा हो गया। साहिब गुरु तेग बहादुर पंजाब दी धरती नूं आए ते पिछों कलगी धर जदों तुरे ने, ज्ञानी मान सिंह चौहर ने एक गल बड़ी सोहणी इत्थे कही, उह कहिंदे ने जिद्दन बाला प्रीतम इस धरती तों तुरन लगे, ते चेते रखियो शरदा वाली अख नाल तकियो, कई वारी साडे लोक कहिंदे ने गुरु तां जा चुके ने, प्यारे एक गल चेते रखियो बाणी ने बचन कहा कहिंदे ने धन सो देश जहां तू वसिया। गुरु ग्रंथ साहिब तां कहिंदे ने धरती नूं मैं करे सिजदे जिथे मेरे सतगुरु तेरे चरण पै गए। जदों बाला प्रीतम तुरे ने उह कहिंदे ने सारे पटने दे अंदर सुंज पै गई सी, बच्चे बजुर्ग की नर ते नारियां सारे खामोश हो गए, लोकी घरों बाहर नहीं निकलदे, ते मुसलमान फकीर ने पुछया सी किसे नूं के पटने विच उदासी क्यों, ते अगो बैराग वाले किरदे ने कहा सी पटने दा दिल अज निकल चले। पुछया भी कौन, कहन लगे गुरु तेग बहादुर जी दे सपुत्र बाला प्रीतम गुरु गोबिंद राय जी चले ने, ते इस शहर दा बच्चा बच्चा बजुर्ग नौजवान उहदे चरणां विच खलो के रह के आत्मक सुख माणदा सी, तक्यो गुरु गोबिंद सिंह किवें सहाई हुंदे ने। आरंभ इथों कीता है, अज साहिब तुरन लगे ने, सब तो पहला रखीम बख्श ते करीम बख्श आए ने, दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय, रहीम बख्श ते करीम बख्श आए, ते चरना ते देख के कहिंदे ने सतगुरु बाला प्रीतम तेरे तो बिना किवें रहांगे, सहाई होण वाले ने क्या कहन लगे, अमृत वेले जप जी साहिब दी बाणी एकाग्रता नाल पढ़ियो, मैं बचन करना वा तुसी जप साहिब पढ़ोगे मैं तुहाडे कोल होवांगा। जदों आए ने दूसरे पासे पटने दी संगत सारी संगत नूं क्या
ते शेठ जैतमल नूं कहिंदे ने सजना सवेरे आसा दीवार दा कीर्तन सुनी ते मैं तेनूं यकीनन कहना जिहड़ा आसा दीवार दा कीर्तन सुनेगा सच जाणो उस बाणी दे रूप अंदर गुरु तुहाडे कोल होवेगा। सब थाई कोई सहाय अज पंडित शिव दत्त पुछदा है ते सब थाई सहाय होण वाले कहिंदे ने पंडित जी तुसी अंदर नूं टिका के यकीन करके ब्याजे जदों ध्यान विच टिकोगे मैं तुहाडे कोल होवांगा। जदों राजा फतेह चंद मैणी ते राणी आउंदे ने आके पुछदे ने हे दातार साहिब कहिंदे ने नहीं सिर्फ दो नूं खत है मैनूं पुत्तर कह के पुकारन दा। कहिंदे ने एक तां मां गुजरी नूं ते दूसरा अम्मा तेनूं। उत्थे पुछया गया सी कि गुरु गोबिंद सिंह पुत्र एक ते मावां दो ते उत्तर बड़ा सोहना दिता सी जे अखां दो हो के जोत एक है ते मावां दो हो के पुत्र भी एक हो सकदा है। दूजा पुछया सी दोवां गोदां विच खेडो के किवें। कह लगे जिवें एक चंद्रमा गंगा विच ते झील दे पानी विच दोनों वेले खेड सकदा है ते मैं भी खेडांगा। जदों पुछया राजे ते राणी ने साहब ने इको बचन कहा कहिंदे भावना नाल गुरु की बाणी ते नाम नाल जुड़ियो ते तू रोजाना नेम दे नाल बच्चियां नू संगत नू बुला के भोजन छकाएगी। शब्द उत्थे छोले पूरियां वरते ने कि मैं आप उत्थे सहाई होवांगा। उत्थे एक गल बड़े कमाल दी है जिन्हां दर्शन कीते ने उस घर दे अंदर पटने विच केवल एक रुख ऐसा है होर होणगे गल वक्खरी है जिदे ते जिस दिन दा कलगी वाले ने लाया कदी पत चढ़नी आई वह रुख है करोंद दा। अज भी कदी फतेह चंद मैणी दे घर विच जाइयो ते पिछले पासे रुख लगा ते बिल्कुल हरा ते जे पुछियो ना तो जाके साहब ने कहा सी अपने हथी उस मां जिस नूं कहा उहदे घर रुख लाया है ते वह रुख दे उत्ते अज तक भी कदी पत चढ़नी आई। ध्यान रखी मना केवल रुख एक प्रतीक नहीं वो तो साहब की रहमत है ते जिदे अंदर कलगी वाले ने नाम दा सुरत दा ध्यान दा ते अंदर नू जपन दा रुख ला दिता रहिंदी दुनिया तक ओदे लायक ओ रुख जेड़े ने उहनां दे अंदर कदी पत चढ़नी होंदी। भावें शिव दत्त सी भावें इधर यह ने साहब तुरे ने पटना साहब की धरती तो हजूर पहुंचे ने नेड़े एक पिंड दानाबाद हुण पटना साहब ते दोनों मिल गए ने। इत्थे गुरुद्वारा है हांडी साहब इत्थे गुरुद्वारे हांडी साहब दे दर्शन करन दा मौका मिलिया बिल्कुल गंगा दे घाट ते वी। इतिहास की है सब थाई होए सहाय होण वाले गुरुदेव जदों इत्थे पहुंचदे ने ते बुढ़ी माई जिहड़ी गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विचों निवाजी सी ते आप नूं पता है ओ ही पटना साहब दी धरती है जिथे अशोक ने कदी कृपान धरती ते सची सी अहिंसा परमो धर्मा दी गल कही ते सदियां लंघ गईयां जालम ने अपनी तलवार नाल हिंदुस्तान दी धरती ते सत्र विछा दिते ते इस धरती तो बाला प्रीतम गुलेला तीर ते कृपाना लैके तुरिया सी दिल्ली दे तख्त ते बैठे हुए जालम दा मुंह मोड़न दे लई। ध्यान देना इत्थे उस माई दी इक भावना सी कि गुरु गोबिंद राय किते आउण ते मेरे घर चरण पाजन। हां मैं गरीबणी ते बुढ़ी कहिंदे हजूर पटना साहिब तो तुरे ते तुर के पहला पड़ाव दानापुर कीता सी ते बुढ़ी घर विच शाम नूं खिचड़ी रिन के बैठी सी ते साहिब ने दरवाजा खड़का के कहा सी माई असी चले आ मदर देश ते तू रोज चेते करदी सै अज दा दिन रस्ते विच निकले है तू ता कहिंदी सै दो घड़ियां पर अज दी रात असी तेरे घर रह के जा। इतिहास ने उहदा नां नहीं दिता पर खोज करन तो ते कुछ बजुर्गां नूं पुछया ते उहनां माई दा नां दस्या सी जमनी देवी जमना देवी। कहिंदे ने उस माई दे घर रहे संगत ज्यादा सी जदों लंगर दी गल चली माई अखां पार आई साहब ने कहा नहीं मां आ हांडी मैनू दे मैं अपने हाथ नाल बरताना तेरे पक्के कोई विच बरकत पैगी कमी नहीं आवेगी। अज भी उस स्थान दा नाम है हांडी साहब। हजूर उत्थे सहाई होए आए ने गुरुदेव आनंदपुर साहब दी धरती ते उत्थे हजूर ने एक बचन कहे कहन लगे पिता जी
मदर देश हमको ले आए, पांत पांत दयन दुलराए, कीनी अनक पांत तन रचन, दीनी पांत पांत की शिक्षण। कह लगे पिताजी मदर मिठी धरती ते पंजाब की धरती ते ले आए, इथे कई तरह की शिक्षा दी। 9 साल की उम्र सन 1675 हुए आए, सब थाई हुए सहाय किवे ने, केवल परमार्थ वालों नहीं। अज जे रोंदे कुरलांदे आके तरले लेंदे ने, सब थाई सहायक होने वाले गुरु गोबिंद राय जी ने आप कह केंदे ने, पिता जी इन्हां दियां सिसकियां, इन्हां दे अथरू, इन्हां दे कीर ने उन्नी देर तक बंद नहीं होने जिन्नी देर तक आप जी वर्गा करनी वाला महापुरुष अपने तन का बलिदान नहीं देता। साहब ने उत्थे जो पिता जी की शहादत का समा आया, सिखा तेनू याद होवे गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नू पढ़ के तां लूह कंडे खड़े हो जांदे ने, तू याद रखी ए ओ बापूआ जिन्हू केवल पिता का शीस मिलिया सी, तड़ नहीं सी मिलिया, केवल शीस का संस्कार किया सी। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने चेते रखो शब्द धर्म ना भुलना, हर थां सहाई होवे। जे आप कहिंदे ने मैं इस करके आया केवल एक फिरके नू खत्म कर ली नहीं, हजूर कहिंदे धर्म हेत गुरदेव पठाए, जां कहिंदे जहां तहां तुम धर्म चलाए, जां शब्द वरते ने जहां तहां तुम धर्म बिठारो, ते उत्थे पिता दी गल करदिआं कहिंदे ने तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका। हुण इत्थे इक गल समझियो, ताका दा अर्थ की है? ताका दा अर्थ है उहनां दा, अपना नहीं कहा, इहदा मतलब आसरा तां सिख ने गुरु दा लैणा है। कहिंदे तिलक ते जंजू वह पहनते ने उन्हों का रख है गुरु तेग बहादुर जी, तिलक जंजू राखा प्रवता का किनो बडो कलू मैं साका, पिता दे साके नू बडो साका किया। साडे सज्जन का कह लग पैने भी ब्राह्मण माते जी उन्हें जान के विच पाया। सिखा एक खिन अर्थ करनी, जिस दिन तू अमृत की बाणी तो अमृत तो टुट गया ना, जिन्हें मर्जी दमगजे मारदा जाए अंदरों सुक जाएगा। इसे गल नूं तां दुश्मन कुरलांदा सी, नादर पुछदा सी ओ मैं हंभ गया मार मार के मरदे क्यों नहीं, ते अगो जकरिया कहिंदा सी मरना भी नहीं हो इन्हां ने, इन्हां दा मुर्शद इन्हां नूं आबे हयात पिया गए, असीं खुद देखे जिहड़े कल तक गिदड़ दी तरह लुकदे ने अमृत छक के सानू आके मैदान विच वंगारदे। दुश्मन ने भी मन्या सी, कहिंदा मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दयो है, ऐसी गयो कलाम बतै है जिससे सुधा बनाइए लह है, सोए पलाए लोगन कह ताई, स्यारन ते सिंह रुलेत बनाई, कहिंदा गजब असर तिसका हम देखा। इहदा मतलब सुनिया नहीं, कहिंदा नादर सी अखां नाल तके बुझ दिल होवत शेर विशेखा, कहिंदा मेरा खौफ नहीं मानदे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨਤ ਆਪ ਤਾਏ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਵਰ ਸਬਨ ਕੋ ਜੀਵ 84। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੋ ਸਾਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਯੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੈਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਠੀਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕਿੰਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਥਾਂ ਦਿਨ ਖੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸ਼ੀਸ ਦੀਆ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੇਖ ਇਹ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸ਼ੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸ਼ੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਸ਼ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾ ਪੁਰਕਿਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ। ਇਸੇ ਅਰਥੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਹੈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੈ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਣ ਲੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਹਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸੂਰਮਦਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸੂਰਮਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣੀ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਲਾ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਫੋਕੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬਾਜ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨੀ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਰਦਾਰੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ, ਸੁਸਾਹ ਸੁਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ, ਭਰੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਕਾ ਲੈ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ, ਤੋੜ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਲ ਮਲੇਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਰਕਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਗ ਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਲਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। ते भाई साहब उसकी जिक्र करते ने, कहते ने कि देख अंदर स्याणा बाहर भोला, शब्द सुरत सावधान होए, बिल्कुल शब्द ना सुनी बोला, सतगुरु दर्शन देखना साध संगत बिन अन्ना खोला। तू कहना बोल के आरंभता जरूर है, पर मंजिल केवल बोल के जान तक कह भी सारी जिंदगी बोली जावा, बोल के तेरी शुरू है। प्यारे चार तरह की बाणी असी मानने, बैकरी, मध्मा, पसंती ते परा, चार बाणियां जिन्हां नूं आपां कहने। बोलण दा संबंध बैकरी नाल है, जदों तू जबान बंद करके गले विच उतरना पै ते चेते रखी मध्मा ही, ते जदों किते गला भी कुछ ना कह, जबान भी बंद होवे, दंद बिल्कुल बंद होण, बुल मीटे होण, ते भाई गुरदास किधरे खिर दे विच गुरु गुरु चले ते समझी पसंती तक पहुंच गया। साहब ने अमृत बचन कहते, भाई साहब के बचना अनुसार कबीर जी ने एक बचन कहते, शायद एक दिन प्रमाण अर्ज किया सी, इहनू जोगमत वल ना खिसीटियो, जिन्हों आपां परा कहने। एक नाभी ऐसी है जिदा साडे जिदा जिदे करके सानू जीवन मिले, जीवन की मुढ़ जिहड़ा ये है, ये मां नाल जदों संबंध बने है, मां राही भी खुराक मिली। केवल ये ते कबीर साहब ने एक बचन किया, कहिंदे लोको रब नाल विआह दीआं गल्लां करदे हो, कहिंदे दुनिया बाहर वेदी मंडप साज के अग दे दुआले लावा लैंदी है। कहिंदे कबीर अज विआह जाण लगा, उहते इक शब्द वरते आ, कहिंदे सुहागणो, दुहागन शब्द नहीं, कहने के गाओ गाओ री दुल्हनी, दुल्हनी उन्हों क्या जाता है जेड़ी खत्म वाली जिसे सिर से साई सुहागन, ते जेड़ी सुहागन है उन्हों साई नू रिझान दा पता है। कबीर जी कहने आज मेरा मिलाप होने लगा, मैं खिन विचों निकलिया, आओ सुहागना दर से गुरमुखो पुगे हो, आओ ते आओ खां गाओ रब दे गीत, मंगल गीत गाओ, मेरा साई मेरे घर मैनू ब्याहना है। उते शब्द वरत्या गाओ गाओ री दुल्हनी, मंगल चारा मेरे ग्रह आए राजा राम कतारा। कहने नाभ कमल में बेदी रच लै बार नहीं, ओ परा बाणी जिते बैकरी मध्मा पसंती सारिया लंघ के, कहने अज नाभी दे अंदर इस थां ते मैं बेदी रचिए, ते इत्थे फिर कल्या मंत्र दुनिया दे नहीं हूं, ओ गुरु का बख्शिया मंत्र, ओ ब्रह्म ज्ञान दा मंत्र हो गया है। नाम कमल में बेदी रच लै ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूल हो पायो, असमिट भाग हमारा, सोनर मुंजन कोतिक आए कोट ते तीस उजाना। कह लगे लोको कह कबीर मुए ब्याह चले हैं पुरख एक भगवान, कितने रब ब्याह के लै तुरिया। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें जे सहाई अपने वेखना चाहे, ते गुरु की उस गल चेते रखी, चुभी रही सुरत प्रभ चरण में, कदी सुरत खिली नहीं। उस सुरत चुभी की जे उदाहरण लैनी है ते दो तीन बेनतियां करनिया ने, ए चुभी कोई सुरती है कि पिता का आया होवे शीश, आप पिता दे शीश नू मत्था टेकदे ने, बाकी सारियां दे अंदर जेड़े ने वो दहले होणगे अखां विचों नीर सी, पर चुभी कोई सुरत ने शीश लियाउण वाले नू ला के सीने नाल क्या सी रंगरेटे गुरु के बेटे, अखां विचों नीर नहीं। ए सुरत चुभी दे अर्थ की ने, सुरत चुभी दे अर्थ पिता समझा के गए सन, बेटा हरक सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। पिता समझा के गए, जिहड़ी भांत भांत की दीनी शिक्षा का मतलब यह नहीं सी दुकानदारी चलानी, तू भांत भांत की शिक्षा का मतलब यह सी बेटा, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने चुभी हुई सुरत है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने सुख सदे अर पहली जाता कंचन माटी माने, मैं निंदिया मैं उसकत जाकर लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रहे नियारो नाए मान अपमाना, आसा मनसा सगल ते आ गए जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परसा नाए ते कत ब्रह्म निवासा। बेटा ये सुरत तार जुड़दी है गुर कृपा जे नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यो पानी संग पानी। वो चुभी कोई सुरत है कि जे प्रसादी हाथी चौर करता है तामी तू तू दी ते गुरु गुरु दी आवाज है, ते जे अज पिता दा शीश आ गया ते अखां विच नीर नहीं, वंगार नूं स्वीकार कीता है, ते इको गल कही जेड़ा कल अगे प्रकरण आउणा है, कहन लगे जैतिया
एक नहीं लखां विचों खलोता उहदा जीवन बोल के कहेगा गुरु गोबिंद सिंह दा गुरु नानक साहब दा सिख चुभी कोई सुरत है। आनंदपुर नूं घेरा पै गया सारे दहले ने पर गुरु कलगी वाले दा अंदर नहीं खिंडिया कदी तक्यो चुभी कोई सुरत है पिछे जालम आ रहा है अगे सरसा दा पानी मुंह अड्डी खलोता है ते अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा कहिंदे ने रुक जाओ भाई दया सिंह अमृत वेला आसा की वार दा समय उन्नी देर तक पार नहीं जाना जिन्नी देर तक आसा की वार नहीं करदे उत्थे ओह कहिंदा साहब कहिंदे ने इस करके टिको क्योंकि अंदर रूहानियत दे नाल अपने आप नूं भरना है उत्थे चुभी कोई सुरत ने सरसा दे किनारे कीर्तन कीता चुभी कोई सुरत ही सी कि पुत्रां दा विछोड़ा पै गया पर अंदर नूं खिणन नहीं दिता। प्यारियो ए चुभी होई सुरत ही है जदों चमकौर दी गड़ी दे अंदर सहिब गुरु कलगी वाले जांदे ने बस इक्को गल करके ओह कहिंदा दुनिया दे लोगो बड़े तके ने तुसी इत्थे वड्डे वड्डे अवतार पुत्र दा विछोड़ा पिया महला तो छाल मार के खत्म हो गए भरा ते इस्त्री दा विछोड़ा पिया रो रो के रुखां तो पुछिया वैण पा के ते कहिंदा मिथ के चकवी ते चकवे नूं सराप दिता जिन्हां दा अज टीकरा मिलाप ने की अंदर सुरत टिकी सी उधर तको ते इस धरती वल नूं तकीए इत्थे जदों क्या अश्वत्थामा वर्गे मारे गए मरिया हाथी बाप दा अंदर खिंड गया अब मनियो दी मौत ने अर्जन दे अंदर नूं हला के रख दिता पर मेरे कलगीधर स्वामी एक मुसलमान चुकदा कलम ओह कहिंदा जुड़ी कोई सुरत दे जे दर्शन करने जे ते कदी चमकौर दी गड़ी विच उस रात नूं तकियो जिन्नू कहिंदे लेट गए कुछ खात पे जी पोश बिछा कर तहरा लगे देने कई तलवार उठा कर गोविंद भी शब वास हुए खैमे में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर वाहेगुरु 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 है मुंह से निकलता ए चुभी होई सुरत ही कह सकती है खिंडे कोई अंदरों आवाज नहीं आनी वाहेगुरु 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 है मुंह से निकलता खै तू ही खी तू ही तू ही तू है मुंह से निकलता जब डेढ़ घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में खैमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में चुभी हुई सुरत है कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में बोले ए खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में कहता देखो चुभी हुई सुरत करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर मैं तेरा हूं मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला थे तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा ये केड़ा सबक से कि जिस हाल में रखेगा तू ठीक है ये चुभी कोई सुरत है जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा जुज शुक्र के आने का जुबान पर नहीं शिकवा गुरु गुरु ता हो सकता है पर तेरे लिए कोई शिकवा नहीं ये चुभी कोई सुरत है कदी तको साहब गुरु गोबिंद सिंह दे उस बचन नूं केवल ये ता कवि दे अंदर दी खेड़ है ना ते जदों आपां पढ़ने हैं जबरनामा उहदे विच शब्द की वरदे ने चुभी कोई सुरत कहिंदी है तन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आरंभ शुरू करदे ने कहिंदे ने कमाल ए करामात कायम करीब पहला शेर है जबरनामे दा कमाल ए करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहा उन रहीम अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर रजा बख्श रोजी देखो दिल पजीर शब्द की ने कहिंदे रब तेरी करामात कमाल दीए तू रिजक देण वाला है कहिंदे शरण पिया दी लाज रखण वाला है अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर कहन लगे रोजी देखो तू रिजक देण वाला है रजा बख्श रोजी दे ओ दिल पजीर चुभी हुई सुरत कहिंदी ओ रंगदेव लोग पुत्रां दी मौत देख के घबराते ने पर मैं तेनों एक गल कह दिया मता भुलेखे विच रह के मेरा अंदर डोल गया है कह लगे हुमारा कसा साया के आए बजेर मेरे सिर दे उत्ते हुमा पंछी मडरांदा पिया है ते जे तेरे वर्गा चलाक कां धोखे नाल घेर भी लए ते मेरा कुछ नहीं विगड़ना ए चुभी कोई सुरत है हुमारा हुमारा सा कसा साया के आए बजेर ब
बरो दस्त दर्द ना जागे दलेर, कह लगे कसे पुश्त उपदल पसे शेरे नर। और औरंगजेब शेर दे दरवाजे विच शेर दे कोल खलो के भेड़ ते बकरी आके वंगार जाए, की लोड़े शेर कोल खलोन दी। चुभी हुई सुरत लिख दी है, मेरे कोल रब दा नाम शेर वर्गा आसरा, तेरे वर्गियां कई भेड़ा ते बकरियां लंघियां, मैनू तेरी परवाह कोई। कसे पुश्त उपदल पसे शेरे नर, ना गिरद बूझो मेशो आहू गुजर। फिर लुकाया कुछ नहीं, कह लगे गुरसना चेकारे कुनाद चेल नर, के दा लख बरायत बरो बेखबर। कहने चाली भुखे पाने दस लख तू लै आता टिड्डी दल। कहने फिर तू कहना कृपान क्यों चुकी, कहने कला मैं नहीं, मैं आने वाली अपनी संतान नू भी कह चलिया वा के चू कार अस हम हिलते दर गुजस हलाल अस गुरदर। बा शमशीर दस ए चुभी हुई सुरत है। फिर कहने बाकी गल रही पुत्रा दी, चे मर्दी के अगर खमोशा कुनी के आतिश दमारा फरोजा कुनी, चार चिंगियाड़ियां बढ़ानियां किधर दी मर्दानगी होए। खजूर इथो तुरदे ने माछी वाले पहुंचते ने, चुभी हुई सुरत ने कोई किला नहीं, उत्थे जिहड़ा शब्द कहा शुक्र विच है खयाल पातशाही दसवीं। कहन लगे मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहन, चुभी हुई सुरत मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दे ओढ़न नांग नवासां दे रहना, सूल सुराई खंदर प्याला बेग कसाइयां दा सहना, यारने दा सानू सत्तर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। ए चुभी हुई सुरत है, तुरन लगदे ने अज साहब दे चरणा विचों रहमता लईयां दोनों भरावां ने गनी खां ते नबी खां ने। डॉक्टर बलबीर सिंह ने लंबी नजर पुस्तक में गल कही, वो कहते ने गनी खां नबी खां इन्हां दी धी शेख, वो गुरु गोबिंद सिंह जिन्ने दिन कोल रहे ने ना, ते ए उन्हां साहब दे चरणा में छोटी जी बच्ची सी, रोज गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल बहना। उत्थे गल बड़ी सोहनी उन्हें कही, चुभी कोई सुरत दी खेड है ते सब थाई सहाई हुंदे ने, साहब धन गुरु गोबिंद सिंह दे कोल रोज बहिंदी रही, ते हजूर इहनू धी ते गनी खां नबी खां जिदन पलंग चौके तुरे ते मुड़े ने वापस, ते अज भी वह हुक्मनामा माछी वाले की धरती ते पे है। तुर लग्या कलगी वाले ने कलम चौके एक बचन कहा, कह लगे एक ओंकार सतगुरु जीओ। उस हुक्मनामे की पूरी इबारत यह है, एक ओंकार सतगुरु जीओ, वाहगुरु जी की आज्ञा है सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है, गनी खां नबी खां ए जो है सो मेरे हैं। ये मेरे ने शब्द वरते हैं, कहते ने गनी खां नबी खां ए जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं, मेरे पुत्रां तो चंगे में लगते पे ने। कहन लगे जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रहेग, ते अगली इबारते सो निहाल होग, ओना ऊपर मेरी खुशी होग, ओना ऊपर मेरा आहत होग। ए जो हैं सो मेरे हैं, जो सिख इन्हां की सेवा करेगा सो मेरी सेवा करेगा। समझ लियो ते पे जदों लैके हुक्मनामा घर मुड़े ना, उत्थे डॉक्टर बलबीर सिंह कहिंदे ने ओ बच्ची जेड़े साहब दे चरणा में जुड़ के उस छोटी जी बच्ची दा प्यार बनिया, वापस आए ते पुछ दिए अब्बा सतगुरु मुर्शिद जां जो शब्दों ने वरते किथे ने। कह लगे बेटा वो अगे चले गए, कहिंदे उस बच्ची दियां अखां भर रही जिवें उदरेवा होवे। ते डॉक्टर बलबीर सिंह कहिंदे चुक के उन्हों कहन लगे धीए आ देख मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने जेड़ी साडे ते कृपा कीती आ किसे ते नहीं वजे होई, भावना है ना उन्हां दी। पुछया की, कह लगे ससी तुरन लगे सन पिछा आए फिर पिछा चले गए, ते कलम चुक के कहिंदे ने कि तुसी मेरे लीक पुत्र, मैं तुहानू लिख के दिता है तुसी मेरे लीक पुत्र हो। ते खोल के हुक्मनामा जदों सुनाया ते अग्गों कहिंदी अब्बा उस गुरु दियां तुसी होए पुत्र ते मैं की होई। कह लगे तू ओदी पोती, कहिंदे बच्ची दे सवाल देखो कैसे कमाल दा, कहिंदी मैं पोती, आखदी इहने हां, कहिंदे किन्नियां पोतियां ने। कहन लगे बाकी सारियां लई पुत्र ते धीआं शब्द वरत्या है, केवल एक तू है जिहदे लई शब्द पोती वरत्या जाए, बाकी जे घर बच्ची होवे तां वी कहिंदे गुरु दी दित्ती धी है, कदे नहीं कहिंदे गुरु दी पोती। मां ने भी शब्द धी ने भी शब्द, पर उत्थे उहने शब्द कह सन। कहन लगी मैं पोती, मैं पोती, मैं आबदार मोती, मैं ओत पोत
धोती शब्द वरते सन ते क्या सी गनी खां नबी खां तुसी चेते करोगे मैं तुहाडे कोल होवांगा दोनों भरावां क्या सी दाता हुण उस कमरे विच असी नहीं पांगे असी उत्थे टिकांगे जिथे पहरे दिते अज भी सिखा कदी शरदा नाल जाई तर्क नाल नहीं माछी वाले उन्हां दे घर वड़ेगा ना ते खब्बे हथ दोनों भरावां दीआं कबरां गुरु साहिब दा गुरुद्वारा अंदर है सामने उन्हां दीआं बाहर कबरां ने साहिब उन्हां ते रहमत कीती तुरे इथों मुकदसर दी जंग हो गई साहिब ने टुटियां गंढ दित्तियां जदों डल्ले कोल गए इत्थे इक शब्द आया सी डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद इकला कोई अज कुछ नहीं ते साहब ने उत्थे देखो शब्द वरते कह लगे ना डल्ला ना मल्ला पर गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह मेरे नाल परमेश्वर है वो चुभी हुई सुरत रहमत करदी होई अबचल नगर दी धरती ते पहुंची उत्थे खालसा तेनू एक गल कह के गए सन के सब थाई होए सहाय सिख गुरु दे चरणा भी जुड़िया ते गुरु गोबिंद सिंह नू पुछदे ने दातार जदों हजूर उन्होंने कहा भाई दया सिंह नू ए वैसे कल नू आउणा है कि तुसी सतगुरु दे चरणा भी जुड़ना है गुरु ग्रंथ साहिब नू गुरता गद्दी दित्ती ते गुरमुखो उत्थे पुछिया सी दातार तुसी साडे तो वख कहिंदे ने सवाल ही नहीं पैदा हुंदा बस एक गल तू मेरी मान ली मैं तेरे नाल रहांगा पुछिया केड़ी कहन लगे खालसा मेरो रूप है खास सब थाई होए सहाय ने खास रूप दे मैं नाल हां खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करूं निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसा के हो सद सद संगा सब थाई होए सहाय कहने मैं तेरे नाल हां खालसा के हो सद सद संगा खालसा मेरो सतगुर पूरा खालसा मेरो सज्जन सूरा कहने रब ते गुरु नानक दी कसमी जा मैं रंज ना पिसया भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी रोम रोम जे रसना पाऊं तत पे खालसा जस तोए गाऊं किवें तेरे साई ने कह लगे खौ खालसे का खालसा मोर मेरो ओत पोत सागर बुंदेलो जिवें समुंदर दा पानी ते समुंदर दी बूंद ओत पोत ने इस तरह मैं तेरे नाल जे तू गुरु नू अपने अंदर टिका लेगा ते मना अज भी गुरु गोबिंद सिंह तेरे सहाई ने उस गुरमुख दियां चार पंक्तियां नाल संपूर्णता करांगा उन्हें कहा सी कहिंदा सिखो जे किसे ने शुक्र करना कहिंदा चमकौर दी धरती दा एक एक ओ जर्रा है किथे सोना बनाने लई तुसी रसायण ते कीमिया लभदे फिरदे हो कहिंदे इत्थों दे एक एक जर्रे नू अपने मस्तक ते लाओ ते तुहाडी तकदीर बदल देगा फिर उन्हें एक शब्द कहा कहिंदा करतार की सुगंध नानक की कसम है अल्लाह यार खां दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय बारे उन्हें शब्द कह कहिंदा करतार की सुगंध नानक की कसम है जितनी भी गुंद गोबिंद की तारीफ हो वो कम है कहिंदा हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कर्म है हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है लिखूं सतगुरु के वसब कहां ताबे रकम है मैं कलम चुकली तेरे बारे की लिखा पुछया जी क्यों कहिंदा एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे विद्वान कहिंदे बुलबुले दी एक आंख है एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे दाता साहिल को देखे मंझदार को देखे जा लहर को देखे बुलबुले कुल की ताकत है तेरे जिंदगी दे बचपन नू जवानी नू अंतले समय नू तकना कहिंदा एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे साहिल को देखे मंझदार को देखे जा लहर को देखे पुछया जी क्यों कहिंदा कारण ए वे के लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीर जिगर था तेरे वर्गा कोई नहीं किवें लिखा सिखा दा की सहाय होया कहन लगे लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीर जिगर था सीता सी पति बरता बन राम को गरता कहंदा बाकी है कन्हैया ना उनका पिसर था कहंदा ओ लड़ाई ते तेरी लड़ाई फर्क है बाकी है कन्हैया ना उनका पिसर था कटा दिए शिष्य शाम ने गीता को सुनाकर तेरे सहाय ने सिखा गुरु गोबिंद सिंह पर रूह फूक दी गोबिंद ने अपनी औलाद कटाकर अपनी औलाद दे के तेरी सरदारी कैम की ता एक कवि कहिंदा सी कहिंदा दातिया
किदे नाल मैं दिया तशबीह तेनू हर एक गल पे जाप दी उपरीए ढाके तेज नहीं पिता दी पसलीए हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपरी तू रहमता कीतियां आओ उस दसवें पातशाह दे चरणा दी लईए टेक ते तू भी खालसा बन के बाणी पढ़ी ते जदो साहब तेरे नेड़े होके टुकणगे ते तेरी रसना तो ये क्या होया सफल होवेगा कि दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। कल नूं विचार करांगे कि दसवां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी पिछले दसा दिनों तो चलती आई कथा ओदा निचोड़ तत्काल। वाहिगुरु जी का खालसा।